जी सर, सेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। रमेश सर, स्वागत है आपका सर। मैं रमेश कुमार यादव गिरणी गिरिडीह से, क्योंकि सर थोड़ा सा आज मेरा ये प्रॉब्लम है कि अभी लाइट चल गई है, जिसके चलते मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं। चलिए ऑडियो में ही रहेगा। सभी रनवियंस को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जो टॉपिक होने वाला है वो संघर्ष ही जीवन है। आज हमारे ग्रेट लीडर, मेंटर लीडर और एक बहुत ही जो प्लान करते हैं या कोई भी चीज के बारे में वो बताते हैं तो इतना डीपली जाकर के समझाते हैं, और उनका समझाने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। वो मंच में आ चुके हैं और उनको मैं बुलाना चाहूंगा। इसलिए सभी रेनोवियन से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग तैयार हैं क्या, वैसे शख्स को बुलाया जाए? यस सर, यस सर, यस सर, प्लीज वेलकम। चलिए ठीक है, मैं उनको इनविटेशन भेजता हूँ। क्या पंकज सर, आप अपने मंच पर आवें और अपने मंच को संभालें। वेलकम पंकज सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट गुरुजी। कंटिन्यू करें सर। मैं पंकज सर्वे, आज आप लोग का जो सेशन है जूम मंच पे, सभी साथियों का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी को वेलकम है आज का सेशन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संघर्ष जीवन है। उसके पहले मैं अपने हमारे जो गुरुजी हैं रमेश सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो गजब के होस्ट भी कर रहे हैं और गजब का नॉलेज भी उनको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि वो हमारे इसलिए गुरुजी हैं क्योंकि उसने ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एन अक्षर को बताया कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उसने मुझे एक इससे बारीकी जानकारी हमको दिए, इसलिए तहे दिल से रमेश सर को मेरा सैल्यूट है। और उसके बाद हमारे जो ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु हमारे पीयूष सर, जिनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आज मैं उनसे ही बहुत कुछ सीख रहा हूँ और कंधे से कंधे मिला के हम लोग वर्क कर रहे हैं। और जितने भी हमारे रिनोवियन साथी जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हर एक कोई कामयाब हो यहाँ से, क्योंकि आज जो टॉपिक है सर, इस टॉपिक पे अगर हम बात करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसा टॉपिक है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्टअप करूंगा एक कविता से। ठीक है, उस कविता से स्टार्टअप करूंगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक बारे में बात कर दूं, एक थोड़ा सा मतलब उसको क्या बोल दे कि एक शायरी कही उसको जो थोड़ा सा, ठीक है, तो स्टार्टअप करता हूं मैं। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं माय डियर फ्रेंड जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात, बहुत 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 अच्छा सा शायरी आपका, बहुत। यस सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। मैं बता दूं कि आज जितने भी जिनका आप नाम जानते होंगे, जो आज कामयाब है, तो कामयाबी उनको यूं ही नहीं मिली माय डियर फ्रेंड, उसने बहुत संघर्ष, बहुत दुख तकलीफ झेला, बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा उसने झेला, लेकिन कभी हार नहीं माना उसने। ठीक है, मैं एक कहानी भी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो मैं एक कविता से भी स्टार्टअप करना चाहूंगा कि घुट घुट कर जीना छोड़ दें। आप लोग ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा सर, मेरा आप लोग से नम्र निवेदन है। लिख तो नहीं पाएंगे लेकिन सुनिएगा जरूर, क्योंकि बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। आखिर में ये जो कविता है इसने मेरा दिल को छू लिया, आप लोग का भी दिल को छुएगा। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ज्यादा स्पीड नहीं बोलूंगा। घुट घुट कर जीना छोड़ दे तू रुख हवाओं का मोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे तू रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा लोगों के भरम को तोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे तू रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा लोगों के भरम को तोड़ दे, तू छोड़ ये आंसू उठ हो खड़ा, तू छोड़ ये आंसू उठ हो खड़ा, मंजिल की ओर अब कदम बढ़ा, हासिल कर एक मुकाम नया,
पन्ना इतिहास में जोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तो रुख हवाओं का मुंह। मैं चाहूंगा सर, मेरी आवाज आ रही है तो सर कृपया मुझे बता दें। बिल्कुल सर, आपकी आवाज क्लियर है सर, बिल्कुल सर आपकी आवाज क्लियर। ओके सर, ओके। निवेश करता हूँ, उठना है तुझे नहीं गिरना है, उठना है तुझे नहीं गिरना है, जो गिरा फिर से उठना है, अब रुकना नहीं एक पल तुझको, बस हर एक पल आगे बढ़ना है, बस हर एक पल आगे बढ़ना है, राहों में तूफान कई। किन्हीं का सर आवाज आ रहा है पीयूष सर, कृपया उनको कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें, मैं उसको देख रहा हूँ, कंटिन्यू करें। राहों में मिलेंगे तूफान कई, राहों में मिलेंगे तूफान कई, मुश्किलों के होंगे वार कई। मतलब आपके लाइफ में मुश्किल बहुत आएगा सर, बहुत। इन सब के तुझे न डरना है, तू लक्ष्य पे अपने जोर दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तू रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे, चल रास्ते तू अपना बना, छू लेना अब तू आसमां, धरती पर तू रखना कदम, बनना है अपना ये जहां, किसी के रोके न रुक जाना तू, मेरी बात को नोट करेंगे सर, किसी के रोके न रुक जाना तू, लकीरें किस्मत की खुद बनाना तू, क्योंकि माय डियर फ्रेंड जिसके हाथ भी नहीं होते हैं ना, उनके भी ऊपर वाले किस्मत लिख देते हैं, बहुत सारे लोग हमारी किस्मत में नहीं है माय डियर फ्रेंड, किस्मत को खुद बनाना पड़ता है, लकीरें किस्मत को खुद बनाना तू, कर मंजिल अपनी तू फतह, कामयाबी के निशान छोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे। ठीक है, तो ये मेरा आज का कविता रहा, और मैं आज बात करूं माय डियर फ्रेंड, जितने भी लीडर को आप जानते होंगे, जितने भी जो आज महान शख्स हुए हम लोग के सामने, जितने भी मैं अगर नाम गिनाना चाहूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को आप लोग जानते ही होंगे, उनकी आप स्टोरी को पढ़िए, क्या उसने संघर्ष को नहीं झेला। हमारे राष्ट्रपति माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर, क्या उनने नहीं झेला। सचिन तेंदुलकर क्या नहीं झेले। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, क्या उसने कठिनाई को नहीं झेला, क्या संघर्ष को नहीं झेला। विराट कोहली जो हमारे क्रिकेटर हैं, क्या उसने नहीं झेला। महेंद्र सिंह धोनी जिसको लोग आज दुनिया जानता है माय डियर फ्रेंड, जो हमारे झारखंड के ही शेर हैं, आन बान शान है हमारे झारखंड के, क्या उसने स्ट्रगल को नहीं सहा। स्ट्रगल उनके जिंदगी में मेरा माय डियर फ्रेंड, लेकिन वो कभी हारे नहीं। अगर वो हार जाते आज टीटी रहते, आज टीटी रहते कितने लोग जानते, आप लोग को ये बात पता होगा। तो कहने का ये मतलब, बहुत सारे ऐसे जो हमारे बीच हैं, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जितने भी आप जान रहे होंगे, जिनका नाम आप लोग का जेहन में होगा, क्या उन्होंने संघर्ष को नहीं झेला। बहुत संघर्ष को झेला सर, बहुत, तब जाके उनको कामयाबी मिली। तो मैं डिफरेंट में मैं ये बता देना चाहूंगा कि आप लोग संघर्ष से कभी ना घबराएं। संघर्ष मिलेगा सर, बहुत मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो सफलता मिलेगा ना, लोग आपको सर सैल्यूट करेंगे कि वाह, कोई शख्स पैदा हुआ था, उतना झेलने के बाद भी ये बंदा खड़ा रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। अगर आपको नाम कहना है, नाम करना है, नाम कमाना है, फेम आपको कमाना है, तो आपको सर तकलीफ आएगा, और अगर तकलीफ नहीं आएगा तो भगवान से मांगिए तकलीफ, भगवान से आप मांगिए तकलीफ कि भगवान हमको तकलीफ दे, तभी आप बुलंदी तक पहुंचेंगे, वरना आप कभी भी नहीं पहुंचेंगे सर, कभी भी नहीं। लिख लीजिएगा डायरी में, अगर तकलीफ नहीं होगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी जिंदगी में। वही एक ऐसा जो चीज है, जो आग है, वो आपको हमेशा आगे प्रेरित करेगा। आप एक चीज माइंड सेट कर लीजिए कि अगर आज हम काम को नहीं करेंगे तो आप करेंगे क्या, सवाल ये भी उठता है। तो वहीं से आपको जोश और जुनून तैयार होता है आगे बढ़ने के लिए। आप क्या करेंगे जो करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है सर। है तो बहुत करोड़ों अरबों रुपया लगाना पड़ेगा, तब जाके आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं अपनी जिंदगी में, वरना आप नहीं कमा सकते हैं। तो संघर्ष सर आपका आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो मैं आज एक आपको थोड़ा सा एक आप लोग को बता दूं कि हम लोग के एक अब्राहम लिंकन सर हैं, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे,
उनका मैं थोड़ा सा स्ट्रगल की कहानी बताता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट का उसका स्टोरी है, आप लोग सुनिएगा, उनका बहुत लंबा स्टोरी है, मैं इसको संक्षिप्त में करा, मैंने देखा इनका स्टोरी को, आप लोग थोड़ा अमल करेंगे इस बारे में। तो अब्राहम लिंकन का जो जन्म हुआ था माय डियर फ्रेंड, वो 12 फरवरी 1809 को हुआ था, और बिल्कुल गरीब परिवार में हुआ था, बिल्कुल गरीब, और वो अश्वेत में हुआ था, अश्वेत मतलब वो गोरा नहीं थे। और अमेरिका में आप लोग को पता होगा कि वहाँ गोरे लोग का राज है अमेरिका में, तो अश्वेत थे, वो काले थे, ठीक है, बिल्कुल वो गरीब थे, बिल्कुल गरीब। मैं बात करूं तो वो जो थे, अब मैं उनकी स्ट्रगल बारे में बताता हूँ, स्ट्रगल देखिए जिंदगी में क्या होता है, कभी अगर हार मान जाते तो आज वो हम लोगों के, मतलब वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ना होते। तो उनका स्ट्रगल देखिए, जब वो 31 साल के थे, 31 ईयर्स के थे, तब उसने एक बिजनेस को स्टार्टअप किया, वो बिजनेस में भी फेल हो गए सर। जब वो 31 के थे तो बिजनेस को शुरू किए, और बिजनेस को शुरू किए तो उसमें असफल हो गए। 32 ईयर्स मतलब जब वो 32 साल के हुए, चुनाव था उसमें भी वो हार गए 32 साल के एज में। उसके बाद फिर 33 साल उनका हुआ, फिर एक नया बिजनेस को किए, उसमें भी वो असफल हो गए, मतलब फेल हो गए। जब वो 35 साल के हो गए तो मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड, उनकी वाइफ का निधन हो गया, और वाइफ का जब निधन हो गया तो 36 साल में उनका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया, मतलब वो पागल हो गए, पागल, लेकिन फिर भी हिम्मत को नहीं हारे, और 43वें साल में कांग्रेस का चुनाव फिर खड़े हुए, फिर हार गए 43वें साल में, और 48वें साल में फिर कोशिश किए, फिर हार गए। 55वें साल में जब वो 55 साल के थे तो उसने फिर कोशिश करा सेनेट के लिए, मतलब वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिर वो तैयारी करे, लेकिन फिर वो चुनाव हार गए। उनकी उम्र थी उसमें 55 ईयर्स, मतलब 55 साल। मैं 31 ईयर्स से बता रहा हूँ, 55 साल तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 56वें साल में वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़े, चुनाव लड़े, फिर हार गए सर। 59वें साल में उसने सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, फिर हार गए। उसके बाद क्या हुआ, 1860 ईस्वी में वही शख्स अब्राहम लिंकन सर अमेरिका के राष्ट्रपति पद से सुशोभित हुए। आप उनके स्ट्रगल को देखिए सर, 33 साल 30 साल उसने स्ट्रगल करा, तब जाके वो हम लोग के, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति बने। सोच के देखिए स्ट्रगल, अगर वो बीच में भाग जाते चुनाव छोड़ के, अरे हार गए छोड़ो भागो कौन खड़ा होगा, तो क्या आज वो होते, आज हम लोग उनका नाम जानते, आज दुनिया उनको नहीं जानता सर, ठीक है। तो स्ट्रगल आएगा, और कामयाबी एक कहा जाता है कि कामयाबी आपको एक दिन में नहीं मिलती सर, कामयाबी आपको एक दिन में नहीं मिलती मगर एक दिन जरूर मिलती है, कामयाबी आपको एक दिन नहीं मिलती मगर एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। अगर भाग जाएंगे तो फिर करेंगे क्या, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और कहूं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, कभी भगवान नहीं होता। क्या बात। तो मैं ज्यादा सेशन को लंबा ना करते हुए इन्हीं संक्षिप्त बातों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओके सर, रॉकिंग नटस सर, थैंक यू गुरुजी। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग, क्या लाजवाब कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपने बातों को रखा, कितना बढ़िया स्टोरी आपने बताया कि कैसे लोग जो है सो संघर्ष करने के बाद भी जीतते हैं और अपने सपने को वो छोड़ते नहीं है, जितनी भी मेहनत वो करते हैं एक ना एक दिन उनकी मेहनत कायम होती है, और इंसान का जो सपना होता है वो सपना भी उनका पूरा होता है। ये चीज आप आज आपने क्लियर किया, और उसी तरह से हमारे जितने भी रेनोवियंस हैं, आपको फाइट करना है एक एक जो भी आपके लेवल हैं, वो चाहे वो डायरेक्टर 100 रहे या 250 रहे या 500 रहे या 1000 रहे या एग्जीक्यूटिव का लेवल रहे या सीनियर एग्जीक्यूटिव इलाइट वगैरह, जितने भी लेवल्स हैं आप उनको फाइट करें, क्योंकि आपको संघर्ष अगर आप करते हैं तभी जाकर के आपको सफलता मिलती है, क्योंकि अगर बिना बनाए
घर बैठे बैठे सभी इंसान को अगर मिल जाता तो सबसे ज्यादा अमीर मैं क्या बताऊं आपको उनके बारे में कि वो लोग हो जाते हैं। लेकिन आपको अगर कामयाबी चाहिए तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा रहा सर आज आपका, मिस्टर पंकज सर यू आर ए ग्रेट लीडर, क्योंकि आप इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ इतने अच्छे बातों को रखा है। अब मैं चलता हूँ हमारे होस्ट मिस्टर रमेश सर, और सुनते हैं उनकी जुबानी कि आज उनको सेशन कैसा लगा। तो मिस्टर रमेश सर आप अनम्यूट हो चुके हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और सेशन को सर आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आज आपके आप आज के होस्ट हैं तो पूरा सेशन जो है सर आपको सर कंटिन्यू करना है। रमेश सर माइक आपका प्लीज। जी लाजवाब सर, बहुत ही मस्त। इस तरह की कॉन्फिडेंस के साथ जो सर ने बताए, वो ऐसा लग रहा था कि तूफान चले जा रहा है। और पंकज सर का एक बताने का जो एक तरीका है, क्या लाजवाब तरीके से उन्होंने समझाया कि संघर्ष किस तरह से लोगों को करना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा सर, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम मैं लूंगा खुद का, बिल्कुल ले क्योंकि सकते हैं सर, दोस्तों बिल्कुल जीवन आप ले संघर्ष। सकते हैं, आप ले सकते हैं, आप आज के होस्ट हैं, आप ले सकते हैं समय। दोस्तों जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद पीछे ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्या बात है सर, क्या इसलिए बात कोई है अपने भी सर, सही मनुष्य बात है। कोई भी चीज को पाने के लिए क्या करते हैं कि हम आधे रास्ते में जाकर के और छोड़ देते हैं। उस तरह की मेहनत नहीं करिए सर। मैं जिस काम को करने के लिए ठान लिए हैं दिल से, उस काम को पूरा जिंदगी लगा दीजिए। चाहे जो करना पड़े उसके लिए, आप उसके लिए एकदम रात दिन जितना मेहनत करना पड़े करते रहिए, और रेगुलर। क्योंकि कछुआ का चाल अगर चलेंगे ना, तो धीरे धीरे चलते चलते आपका चाल रेस हो जाता है, और उस तरह से आप चलते रहेंगे तो मंजिल अपने आप को आप हासिल कर लेंगे। और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, क्योंकि सभी लोगों से कुछ ना कुछ आज के होस्टिंग के इसके जो पंकज सर का जो प्लान रहा, उनके बारे में फीडबैक लेना है कि कैसा लगा। बिल्कुल सर, इसलिए मैं बिल्कुल ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आज जिस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये इंडस्ट्री है क्या। और इस इंडस्ट्री आने वाला 2025 तक, मुझे लगता है कि एक समय जब था ना सर, कि नौकरी के लिए लोग को जब बुलाया जाता था, तो उसका मम्मी पापा जो होते थे ना, वो लोग क्या बोलते थे कि बेटा मेरा एक बेटा है या दो बेटा है, ये नौकरी नहीं करेगा। लेकिन आज उसका इतना वैल्यू चला गया कि 10-10 लाख या 12 लाख या 20 लाख रुपया दे करके और डोनेशन दे करके नौकरी करते हैं। उसी तरह इस इंडस्ट्री में आने वाला 2025 के बाद, आज जो वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, जो इसका कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, वो 2025 की बात वही मुसीबत आने वाला है। क्योंकि आप कितने भी क्वालिफाइड हो जाइए, जिस स्कूल में आप पढ़ेंगे, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जिस कॉलेज में पढ़ेंगे, उसकी उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल में इसकी पढ़ाई शुरुआत हो चुकी है, ये सभी लोग जान रहे हैं। क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। कोई भी क्षेत्र में आप उसके बारे में जानकारी लीजिए और आगे बढ़िए। और अपने जितने भी रेनोवियंस हैं, आप तभी अपने टीम को डेवलप कर पाएंगे ना। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं, किसी के पास प्रमोट करने के लिए जाते हैं, तो उनको पहले अपने फ्रेंडली या फैमिली के रूप में उनके साथ पेश आते हैं, और आने के बाद उनको हम इनवाइट करते हैं। लेकिन आप तब डेवलप कर पाएंगे सर, कि अपने आईडी को जितना जल्द आप अपग्रेड करेंगे। आप अपने आईडी को अपग्रेड करना जिस दिन आप सीख लिए, आप अपने आईडी पर 40 बोतल आप जिस दिन सोच लीजिएगा कि मैं 1 सप्ताह में या तो 2 दिन में या 4 दिन में पहुंच जाऊंगा, तो सर आप अपना लेवल के लिए टेंशन नहीं करिए, आप अपना लेवल को अचीव कर लेंगे। शायद समय हो चुका है क्या सर? नहीं सर, नहीं सर, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। सभी रेनोवियंस या भाई या बहन से ये कहना चाहूंगा कि आप सर अपने लेवल के लिए ना सोचें, बल्कि आप अपने डाउनलाइन
आप जितने आपके डाउनलाइन है उतने को आप ग्रेड करना सिखा दीजिए कि आप अपने आईडी पर 40 बोतल जिस दिन आप कंप्लीट कर लेते हैं अपने डाउनलाइन को भी 40 बोतल कंप्लीट करवा दीजिए। इस तरह से अगर आप पांच पांच लेफ्ट राइट कर लेते हैं तो आप आपका लेवल खुद बाय खुद अचीव हो जाता है और आपका इनकम भी बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी काम को तब आप कर पाएंगे ना जब उसमें दिल और दिमाग दोनों आप करेंगे। क्योंकि कोई क्या करता है ना कि दिल से करना चाहता है लेकिन उनका दिमाग कुछ और कहता है, और कोई दिमाग से करना चाहता है लेकिन उसका दिल कुछ और कहता है। तो इससे क्या होता है कि आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए आप दोनों से कंपैरिजन करें कि दिल और दिमाग मेरा क्या कह रहा है। और ये चीज को जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे उस दिन आपका मंजिल तक पहुंचने से कोई दुनिया का ताकत नहीं कि आपको रोक ले। इसीलिए ग्रेट सर, ग्रेट सभी रेडियोजन से मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब थोड़ा सा रिव्यू सबों से ले लिया जाए। रमेश सर हमारा आवाज क्लियर है? जी 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 सर, जी सर बिल्कुल आ रही है। जी सर, हर बड़ी कामयाबी जो बड़ी कामयाबी होती है, आप बड़ी कामयाबी को ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि आप समझिए एक बड़ा घर आपको बनाना है या तो एक अच्छा सा अपना जो सपना है वो चीज आपको पूरा करना है, उसको हम एक कामयाबी मानते हैं। तो हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़ें, घबराएं नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग रिव्यू के लिए स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले लेना चाहेंगे हम मनोज यादव जी, आपके पास आस्क अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। मनोज यादव जी आप आए और अपनी बातों को रखें। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग रेनेटर्स सर, रॉकिंग रेनेटर्स बोलिए सर। आज का सेशन तो जबरदस्त रहा सर। पंकज सर ऐसे से एक बिंदु एक एक बिंदु को बताते हैं ना सर, हम लोग का दिमाग चिल्ला लगता है कि क्या करें, वैसा लग रहा है। सही बात है सर, इनके आवाज में जादू है सर, इसी जादू को तो इतने अच्छे से एक एक बिंदु को समझाते हैं सर, बिंदु को समझाते हैं सर। जैसे आप तो है सर, पंकज सर भी बोलते हैं ना, गजब का फील होता है दिमाग में। ऐसा ही सर बिंदु को बात समझाते हैं ऐसे एक एक करके। जी 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 जी, थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर बोलिए बोलिए सर, हाँ सर बोलिए सर। लिंक भेजा कीजिए ना सर, यानी कि हर लोगों के बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं सर के माध्यम से मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जाल लगा दो। यही एक संघर्ष की दूसरा कहानी है। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और हमारे आज के होस्ट रमेश सर को भी हमारे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और हमारे ग्रेट मेंटोर ग्रेट पर्सनालिटी पीयूष सर आपको भी धन्यवाद करता हूँ। ओके सर, और भी लोगों से रिव्यू लेना है। थैंक यू सो मच।